पहली खबर रामपुर से आ रही है, जहां सपा सांसद आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी हां, अब सरकारी जमीन के हेरफेर के मामले में आजम खान की पत्नी तजीम फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम और तत्कालीन सभापति सहित तीन लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र के विकास भवन के बराबर एक सरकारी जमीन पर क्वालिटी बार रेस्टोरेंट था, जिसको आजम खान ने अपनी सत्ता में रहते हुए अपनी पत्नी के नाम आवंटन कर उनको किराएदार बना दिया था। जी हां, इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी, जिस पर जांच करवाई गई। जांच में शिकायत सही पाई गई। इस आधार पर जिलाधिकारी के आदेश पर राजस्व निरीक्षक अंगन राज की ओर से आजम खान के विधायक पत्नी तजीम फातिमा, उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान और तत्कालीन सभापति सैयद जफर अली जाफरी, इन तीनों के खिलाफ कोतवाली सिविल लाइंस में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस मामले में अपर जिलाधिकारी जेपी गुप्ता ने बताया कि सैयद जफर अली जाफरी, जो तत्कालीन सभापति थे, वे तजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम, इनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। यह मामला क्वालिटी बार से संबंधित है। पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से भी वह जमीन इंतजामिया जिलाधिकारी के नाम दर्ज है। उसी को जिला सहकारी संघ लिमिटेड ने नीलाम दर्शाया हुआ है, उसी के आधार पर दिया गया है। जी हां, तत्कालीन नगर विकास मंत्री के रूप में कार्यवृत्त जारी हुआ था और इस मामले की उप जिलाधिकारी ने जांच की। जांच में पाया तो जो कागजात हैं उसको जेरे इंतजामिया जिलाधिकारी के नाम है। अब इस मामले में तजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम और तत्कालीन सभापति जफर अली जाफरी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। सर, आजम खान की पत्नी, उनके विधायक बेटे और एक व्यक्ति और समेत तीन लोगों के खिलाफ एक जमीन के धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, क्या मामला है? सैयद जफर अली जाफरी जो तत्कालीन सभापति थे और उनके साथ तंजीम फातिमा एवं अब्दुल्ला के विरुद्ध जो FIR दर्ज हुई है वो क्वालिटी वार से संबंधित मामला है। जब वो जमीन जेरे इंतजामिया जिलाधिकारी रहा है और पुराने रिकॉर्ड में वो जेरे इंतजामिया जिलाधिकारी होटल दर्ज है और उसी को DGDF ने जो है नीलाम दर्शाया हुआ है और उसी के आधार पर दिया गया है। तत्कालीन नगर विकास मंत्री के रूप में कार्यवृत्त जारी हुआ था और उसी के आधार उसकी नीलामी हुई थी, जबकि जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है सहायक निबंधक के यहाँ से कि ऐसा कोई रिकॉर्ड उनके यहाँ नहीं पाया जाता है और जो हमारा भुलेख का रिकॉर्ड है जाँच करने पर जो हमारे उप जिलाधिकारी सदर है उनके द्वारा जाँच की गई और जाँच में पाया गया था कि वो जो कागजात है वो जेरे इंतजामिया जिलाधिकारी के नाम से दर्ज है। ऐसी स्थिति में उसमें सुसंगत धाराओं में 420, 467, 468, 471 में प्रथम सूचना। सर, कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? तीन लोगों के खिलाफ। कौन कौन है सर? एक तो तत्कालीन सभापति थे जाफरी जी, जाफर जिन्होंने वो किया था। इसके अलावा तंजीम फातिमा के विरुद्ध और अब्दुल्ला जी के विरुद्ध। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।